में है तो ये हमारे विधायक हैं देवत मंगला, बहुत पुराने मित्र हैं, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैं अफसोस करता हूँ। आपका पलवल आगमन नहीं हुआ, लोगों को बार बार डिमांड रहती है खड़ा पर आए हैं तो पलवल खड़ा तो ऐसे ढंग पे आए हैं तो मैं कैसे भी हूँ, मेरा नाम सब जगह पहुँच जाता हूँ। अच्छा ये सब यहाँ पे जिला अस्पताल है कहेंगे तो वहाँ पे 250 बेड का हॉस्पिटल है लेकिन सुविधाएं बहुत कम है ना के बराबर, ना तो यहाँ पे आई सी काम करता है और ना यहाँ पे सी टी स्कैन की। मैंने मुझे सी टी स्कैन का बताया, मैं जल्दी लगवा दूँगा वो ICT। हमने तो हर जिलों में लगा दिए तो यहाँ का कर देंगे। पलवल में कैथ लैब नहीं है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है तो किस तरह से? एक कैथ लैब तो हमारा सिर्फ चार जिलों में है, वो एग्जामिन करवा लेंगे क्योंकि फरीदाबाद लगी हुई है तो इतनी ज़्यादा नज़दीक वो कामयाब नहीं होती, इतनी जुट नहीं होती है। बाकी MRI CT स्कैन में लगा वेंटिलेटर, अब वेंटिलेटर यहाँ पर है, अब सारों को हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैंने सारे डॉक्टर 182 और डॉक्टरों की लिस्ट आ रही है, उनको ये इसी हफ्ते 10 दिन में अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और उसके बाद और जितने भी वेकेंट हैं हमारे हरियाणा में उन सारी की भी नेक्स्ट लिस्ट आ रही है। ये पहली बार होगा हरियाणा के इतिहास में कि एक भी डॉक्टर की पोस्ट वेकेंट नहीं होगी, मैं सारी भर्ती कर रहा हूँ, ये ऐतिहासिक है, पहली बार होगा। वैसे साहब खिलाड़ियाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहोगे उनको लेकर क्योंकि उनकी जो मांग है? उनका तो खत्म हो गया धरना और वो सारा हमारे खेल मंत्री जी ने बड़ी बातचीत की है और उसकी जांच करा के उन्होंने काम कार्रवाई करेंगे, जांच तो होनी चाहिए ना। अच्छा वैसे साहब यहाँ पे 21 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं KGP कैंपिंग पे यहाँ पे, और उनका कहना है कि यहाँ पर इंटरचेंज होना चाहिए DND जो दिल्ली वडोदरा रोड है उसके ऊपर इंटरचेंज। ये विषय मेरे सामने आया नहीं है, मैं देखूँगा इसको।